हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो ये डिज़ाइन बनाने वाले हैं इसे आप अपने ब्लाउज, टॉप, कुर्ती, गाउन किसी भी ड्रेस में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। यहाँ ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने लिया है 1 मीटर फैब्रिक। अब इसकी कटिंग करना है। तो यहाँ फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में रखा हुआ है। तो यहाँ से हमने लंबाई ली है जो कि है 14.5 इंच और चौड़ाई ली है हमने यहाँ से 11 इंच। ये हमारा ब्लाउज का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लिया हमने। इसका साइज है हमारा 36, इसका 4th पार्ट 9 इंच होता है, उसमें 2 इंच बढ़ा के हमने 11 इंच लिया है। शोल्डर लिया है 7.5 इंच और आर्म होल है इसका 6 इंच जो कि शोल्डर से 1 इंच तिरछे में लिया है। और यहाँ से हमने आर्म होल की गोलाई दी है तो 1.5 इंच की पीछे के लिए और 1 इंच की आगे के लिए दी है। और साथ ही हमने इधर वाले फैब्रिक में यहाँ से 12 इंच मार्क करते हुए एक सर्कल मार्क किया है, तो ये भी 4 फोल्ड में मार्क किया है। यहाँ से 2 हमारे हाफ सर्कल निकलेंगे। अब इसको कट कर लेना है। इस तरह से कटिंग हो जाने के बाद हमें यहाँ पर नेक के लिए 2 फैब्रिक चाहिए। यहाँ फैब्रिक को हाफ फोल्ड करके यहाँ से हम 4 इंच का मार्क करेंगे और लंबाई में भी 4 इंच का मार्क करेंगे। नेक की लेंथ और विड्थ दोनों ही 4 इंच लेना है हमें। और इस तरह से चौकोर शेप बनाना है नेक के लिए। आगे और पीछे सेम ही नेक बनाना है हमें। इस तरह दोनों फैब्रिक पे हमने नेक बना ली है। तो एक फैब्रिक को हम आगे के लिए इस तरह से रखेंगे सेंटर से और ये चौकोर सिलाई देकर यहाँ से कट कर लेना है और पीछे भी ऐसे ही करना है। यहाँ आगे और पीछे वाले पार्ट पे हमने नेक स्टिच कर लिया है। अब ये स्टिचिंग के 1/2 इंच अंदर से हमें नेक को कट करना है। अब ये फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से 2 बार फोल्ड करना है और यहाँ से स्टिचिंग करना है। यहाँ दोनों पार्ट्स के नेक कंप्लीट होने के बाद आगे और पीछे वाले पार्ट को हमें शोल्डर से अटैच कर लेना है और साथ ही इसके आर्म होल पर हमें इस तरह की तिरछी पट्टी लेना है। उसको हम यहाँ पर से लगाएंगे अंदर की तरफ से, ऐसे डबल फोल्ड करके यहाँ अंदर से स्टिच कर देंगे और बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और इधर से स्टिचिंग करना है। यहाँ हमने शोल्डर जॉइंट करके आर्म होल पे भी पट्टी लगा ली है। अब हमें हमारे ये हाफ सर्कल चाहिए जिसको हमने पहले ही इसकी जो गोलाई थी उसको फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको हम शोल्डर से रखेंगे और यहाँ नीचे की तरफ स्टिच करना है। तो इस तरफ से रख के स्टिच करना है हमें यहाँ से, और फिर इसको पलटा के यहाँ से प्रेस सिलाई कर देंगे। और ये दूसरी तरफ का भी इसी तरह से सेंटर पॉइंट से यहाँ शोल्डर पे रखेंगे और यहाँ से स्टिच करके इसको भी टर्न करके यहाँ से प्रेस स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ इस तरह से दोनों हाफ सर्कल को हमने दोनों शोल्डर पे से यहाँ से अटैच कर दिए हैं और साथ ही हमने नीचे वाले एजेस को फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब इसमें हमें साइड में फिटिंग देना है और हुक आप चाहे तो इसमें सामने या पीछे कहीं भी लगा सकते हैं और ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।